पति, फैमिली, इंस्पेक्टर साहब, आप ये क्या कह रहे हैं? कई बार सिर पर चोट लगने की वजह से या एक्सट्रीम शॉक की वजह से याददाश्त चली जाती है। मेरे बदन के घाव तो भर गए, लेकिन उस डायन ने मेरे सीने पर जो घाव दिया है वो कभी नहीं भरेगा। मुझे लगता है कि उस डायन को हम पर शक हो गया है। मुझे लगा मैंने उसे देखा। पुलिस, गाड़ी भगाओ, रोकना मत। तुम हो कौन? मैं राधिका हूँ। राधिका? नहीं, तुम हमारी राधिका नहीं हो सकती। तुम एक इच्छाधारी नागिन हो, और एक इच्छाधारी नागिन हमारी दोस्त राधिका नहीं हो सकती। इच्छाधारी नागिन कैसे? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। राधिका दी, मैं मरी नहीं हूं, मैं आपके दिल में हमेशा जिंदा रहूंगी। राधिका, रुको, कहाँ जा रही हो? राधिका, राधिका रुको, राधिका रुको।
किसी भी शैतान को मारना संभव नहीं। फिर ये शैतान कैसे मर सकता है? इंसान के अलावा कोई और भी था यहाँ पर? एक नाग की खुशबू, और ये कोई साधारण नाग नहीं है, इच्छाधारी नाग है ये। मेरे लिए अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी, मुझे एक नई जिंदगी दी ताकि मैं अपनी लड़ाई लड़ सकूं। लेकिन देखो ना मुझे मुझे क्या हो गया? मुझे डर लग रहा है तुलसी, मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। मैं तो एक आम इंसान थी, मैं अचानक से एक इच्छाधारी नागिन कैसे बन गई? नहीं, नहीं, मैं एक नागिन कैसे बन सकती हूँ? मैं तो राधिका हूँ, अपने कृष्ण की राधिका। और एक नागिन अपने कृष्ण की राधिका कैसे हो सकती है? तुमने मुझे जिंदगी इसलिए दी ताकि मैं अपनी अधूरी कहानी पूरी कर सकूं। ऐसे तो मैं अपनी अधूरी कहानी कभी नहीं पूरी कर पाऊंगी। तुमने मुझे डायन से लड़ने के लिए अपनी शक्ति का वरदान दिया है, लेकिन ये वरदान कहीं अभिशाप में ना बदल जाए। मुझे तो ये भी नहीं पता कि इन शक्तियों का इस्तेमाल कैसे करते हैं। नहीं तुलसी, मैं तुम्हारी ये शक्तियां नहीं संभाल पाऊंगी। तुलसी प्लीज, भगवान के लिए शक्तियां मुझसे ले लो प्लीज। तुलसी, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ। नहीं, मैं दोहरी जिंदगी नहीं जी पाऊंगी। क्यों दी है तुमने मुझे ये शक्तियां तुलसी? क्यों? जवाब दो मुझे। मैंने कहा था ना, कुछ बड़ी शक्ति है जो उसकी मदद कर रही है। मैंने जिस शैतान को उन गांव वालों को मारने के लिए भेजा था वो मर चुका है। एक शैतान को मारना किसी आम इंसान के बस की बात नहीं है। एक बड़ी शक्ति का काट एक बड़ी शक्ति के पास ही होता है। I'm sure
उस शैतान को मारने के पीछे इच्छाधारी नागिन का ही हाथ है। लेकिन प्रीति, हमने राधिका को उस नागिन के साथ फिर से कभी देखा ही नहीं। Not even once. और हमें तो ये भी नहीं पता कि वो नागिन है कहाँ। हवा भी नजर नहीं आती, लेकिन आंधी बनकर सब कुछ बर्बाद कर देती है। ये उसी नागिन का काम है। पहले उसने उस डायन के बाल काट के उसकी सारी शक्तियां छीन ली, फिर मैंने उस नागिन को मारने भेजा था, और इस बार भी इस शैतान को मारने का काम भी इस इच्छाधारी नागिन का ही है। वो राधिका की ढाल बनी हुई है। हो ना हो, राधिका को भी मौत के मुंह से वापस लाने में उस इच्छाधारी नागिन का ही हाथ है। दुश्मन को मारने से पहले हमें उसका हौसला खत्म करना चाहिए, और नागिन राधिका का हौसला है। अगर जो तुम कह रही हो सच है, तो वो नागिन तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचने में रोक सकती है। ऐसा तो तब होगा ना जब वो नागिन जिंदा बचे। कश्ती चाहे जितनी मजबूत हो, लेकिन जब तूफान से टकराती है तो चकनाचूर हो जाती है, और उस नागिन को मैं आज ही चकनाचूर करके रख दूंगी, मार दूंगी उसे। मैं जिस रास्ते के कांटे को हटा दूंगी। राधिका की जान बचाकर तूने दोस्ती तो निभा ली, अब देखते हैं तुम मुझसे दुश्मनी कैसे निभाते हैं। वो आ रही है। कौन राधिका? वो डायन, वो यहीं कहीं है। उसके कदम हमारी तरफ बढ़ रहे हैं। इससे पहले कि वो तुम दोनों को देख ले और यहाँ आ जाए, तुम दोनों यहाँ से निकल जाओ। देख राधिका, हम तुझे छोड़ के कहीं नहीं जा रहे। वो डायन बहुत खतरनाक है। बहुत कुछ खोया मैंने इस लड़ाई में, अब और नहीं। हमें ये लड़ाई मिलकर जीतनी है, और उसके लिए तुम दोनों का ठीक होना बहुत जरूरी है। इसलिए तुम दोनों जाओ यहाँ से, प्लीज। नहीं राधिका, हम तुझे इस हालत में छोड़कर कहीं नहीं जा सकते। मैंने कहा ना, प्लीज जाओ यहाँ से। ठीक है, अब मुझे पता चला कि तुमने मुझे अपनी शक्तियां क्यों दी। तलवार से टकराने के लिए खुद को तलवार बनाना पड़ता है, क्योंकि एक आम इंसान तो उस डायन का मुकाबला नहीं कर सकता। तुमने मुझे ये शक्तियां इसलिए दी ताकि मैं अपने प्यार को उस डायन से बचा सकूं। मुझे माफ करना तुमसे, जाने अनजाने में पता नहीं मैंने तुम्हें क्या क्या कह दिया, लेकिन आज मुझे पता चला कि जब अपने कुछ करते हैं तो उसके पीछे अच्छाई छुपी होती है। आज तुमने मुझे यकीन दिला दिया है कि तुम ना होकर भी हमेशा मेरे साथ हो। आज मैं इस सूट को अपनी नियति मानते हुए स्वीकार करती हूँ, और इन्हीं शक्तियों की मदद से उस डायन का अंत करके रहूंगी। कब तक छुपोगी तुम मुझसे? नागिन कितना भी छुप ले, लेकिन बांस के पंजों से खुद को ज्यादा देर तक नहीं बचा सकती तुम। सामने आ। मुझे अच्छी तरह से पता है कि तुम ही राधिका की मदद कर रही हो। देखते हैं
आज तुम्हारी मदद कौन करता है? आज तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। सामने तो मैं जरूर आऊंगी, लेकिन वक्त आने पर। इंसान के कदम कमजोर हो तो वो बड़ी लड़ाई लड़ नहीं सकता। मेरी कमजोरी है मेरा प्यार। बस एक बार मुझे मेरे कृष्ण मिल जाए, फिर एक नागिन और एक डायन का आमना सामना होगा। उस दिन मैं तुझसे हर दर्द, हर तकलीफ का बदला लूंगी जो तूने मेरे परिवार और मेरे कृष्ण को दिया है। उस दिन मैं तेरा काल बनकर तेरे सामने आऊंगी। क्या हुआ? अपनी मौत को सामने देखकर डर गई? बोलो। मिल गई वो नागिन? नहीं, लेकिन मुझे पक्का यकीन है कि वो यहीं कहीं है। तुम एक काम करो ना, तुम अभी इसी वक्त हॉस्पिटल जाओ और राधिका को देखो। आई एम श्योर वो नागिन राधिका के पास ही गई होगी। मैं देखता हूँ। बुरा वक्त टालने से नहीं टलता। तुझे जितना छुपना है तो छुप ले, लेकिन तेरी कहानी तो मैं आज खत्म करती ही नहीं। प्रीति ने उस बहरूपिये को मुझे मेरे कमरे में देखने को कहा है। अगर मैं अपने कमरे में नहीं रहूंगी तो मेरा राज खुल सकता है। मुझे वहां जल्दी पहुंचना होगा। मैडम लगता है गाड़ी खराब हो गई है। भैया कितना टाइम लगेगा? मैडम मैं चेक करके बताता हूँ।
कितना टाइम लगेगा? प्लीज थोड़ा फास्ट कीजिए ना।